हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू न्यू व्लॉग। और आज की इस व्लॉग में मैं आपको एक ट्रेन जर्नी दिखाने वाला हूँ। रुको लाइट में आता हूँ। हाँ, तो आज की इस व्लॉग में मैं आपको एक ट्रेन जर्नी दिखाने वाला हूँ और ये मेरे बहुत दिनों बाद का व्लॉग है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ रोहा की, आपको एक टाइम जर्नी दिखा रहा हूँ। जो मैं रहता हूँ कांदिवली और रोहा, वो जो अप्रोक्सीमेटली 38 किलोमीटर दूर है, तो देखते कितना टाइम लगता है यहाँ से। पहले मैं रहता हूँ वेस्टर्न लाइन पे, तो मेरे को जाना पड़ेगा सेंट्रल लाइन और वहाँ से दीवार रोहा रूट पे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो इस टाइम पे नेचर का एकदम अच्छा सीनरी देखने के लिए मिलेगा। और ऑब्वियसली यार मैं आपको दिखाऊंगा ना, ऐसे क्या बात कर रहे हो। चलो
गाइस आप देख सकते हो मैं पहुंच गया हूँ रोहा। जैसे कि मैंने आपको सुबह में मैं आपको मेरे जर्नी के थोड़े डिटेल्स बताता हूँ। मैंने सुबह चालू किया था मेरी जर्नी को एट द 4:30, मतलब 4:30 को ही पकड़ लीजिए क्योंकि 4:19 की ट्रेन पकड़ी थी मैंने, और मैं उठा था समथिंग 3:30 बजे। तो तब से मैं हूँ और अभी हो रहा है 10 बज रहे, अभी मतलब 10 बज रहे सुबह के। तो फिर अभी मैं मेरा अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो पहले देखो मैं रहता हूँ वेस्टर्न लाइन पे, विच इज़ कांदिवली। कांदिवली से गया दादर, दादर से गया दीवा, दीवा से मैं आया हूँ रोहा पे। तो मेरे को टोटल इन जनरल 3 लाइन चेंज करनी पड़ी है। तो मेरे हिसाब से मेरे को थकावट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुए, क्योंकि एज अ नॉन पीक आर था, इतने अर्ली मॉर्निंग कोई ट्रेन में पीक मतलब अपना रश भी नहीं रहता है, तो इसके लिए इतना नहीं था। तो अगर मैं बात करूँ रोहा के बारे में तो इसके आगे कोकण रीजन शुरू होता है, जिसको कोकण रेलवे के नाम से भी बोला जाता है। यहाँ तक मध्य रेल थी जो मुंबई से ऑपरेट की जाती है, मतलब ये जो स्टेशन है ये आता है मध्य रेल के अंडर। इसके आगे जो भी कोई स्टेशन आएंगे वो सब कोकण रेल के अंदर आएंगे। और एक बात, इसका एक फैक्ट ये है कि इस स्टेशन से आगे मडगांव तक एक ही लाइन है खाली, मतलब अप डाउन के लिए, मतलब आने और जाने के लिए एक ही लाइन है, तो उसी के ऊपर से पूरी ट्रैफिक कंट्रोल होती है। तो ये रोहा की एक खास बात है। और एक फैक्ट इसका ये है कि इधर तक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो देखो तार वार सब है, बट इस स्टेशन के आगे एक भी तार नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे डीजल इंजन मोस्ट ऑफ द चांसेस यूज़ होते हैं। अगर आप कोकण रीजन से आपका गाँव रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और यार वेदर देखो यार, वेदर अच्छा खासा प्लेजेंट है। ये पीछे पहाड़ है, पीछे ट्रेन गाड़ी है, और मैं अगर आगे दिखाऊँ तो देखो ये देख सकते हो आप आगे, ऐसे सब अच्छा खासा है।